होप आप लोगों को हमारा गोवा वाला व्लॉग काफी अच्छा लगा होगा। अगर अभी तक आप लोगों ने देखा नहीं है तो जाओ और देखो। एनीवेज वेलकम बैक टू आवर चैनल, दिस इज ट्रैवलिंग क्यूपिड्स ऑल द वे फ्रॉम वर्कला। की तरह हम दर्शन का बर्थडे कहीं बाहर जाकर सेलिब्रेट करते हैं, तो सोचा क्यों ना ये साल भी दर्शन का बर्थडे कहीं बाहर ही जाकर सेलिब्रेट करें। केरला, वर्कला इज अ स्मॉल टाउन सिचुएटेड इन केरला विच इज फेमस फॉर इट्स क्लिफ्स एंड बीचेस। ऑल्सो वर्कला इज फेमस फॉर इट्स बैक वाटर। एक्चुअली हम कल ही आ गए थे, लेकिन कल हमने थोड़ा रेस्ट किया, कल शाम हो गई थी हमें आते आते, तो कल थोड़ा रेस्ट कर लिया। अभी हमारा प्लान है वहाँ पे जाने का, मुंड्रो आइलैंड जाने वाले। मुंड्रो आइलैंड यहाँ से 50 किलोमीटर दूर है, तो अभी वही सोच रहे हैं कि बाइक से जाए या कैब करें या ऑटो से जाए। वैसे तो कल हम आए थे तो हमने ऑटो वाले से कितना प्राइस होगा क्या होगा वो तो पूछ लिया था, बट उन लोग कुछ ऑब्वियसली ज़्यादा ही बोल रहे हैं। लेकिन बाइक कन्वीनियंट पड़ेगा अपने हिसाब से, तो हम जा सकते हैं। वही बाइक का, यहाँ के जो हम लोग यहाँ पे रह रहे हैं वहाँ के ओनर से हमने बात किया है कि वो हमारे लिए बाइक अरेंज कर सकते या स्कूटी अरेंज कर सकते क्या, देखते हैं। अभी जाते हैं उनसे थोड़ा बात करते हैं, जैसे स्कूटी हो जाएगा आपको सीधा मिलते हैं मुंड्रो आइलैंड पे। और एक बात, हमारा जो जहाँ पे स्टे कर रहे हैं वहाँ से जो व्यू है बीच का, ये कौन सा बीच है? ये ओडायम बीच है। ओडायम बीच है, मतलब वो जो वेव्स का जो आवाज आ रहा है ना, साउंड बहुत अच्छा लग रहा है। लेट मी शो यू। राइड किया, हम लोग भी मुंड्रो आइलैंड पहुँच चुके हैं। सो बाय द वे मैं बता दूं कि हमने स्कूटी रेंट किया है, पर डे के हिसाब से 500 है। तो अभी देखते हैं, अभी फिलहाल के लिए यहाँ का मजा लेते हैं। अब हम जाने वाले हैं ये वाले बोट से मुंड्रो आइलैंड। घूमने के लिए आपको इस तरह की कैनो राइड लेनी पड़ेगी, और इस कैनो राइड के लिए हम लोगों ने 500 पर आर के हिसाब मतलब से भरा है। मतलब आपके हिसाब से आपके ऊपर अगर एक्सटेंड करना है तो फिर 2 आर के लिए 1000 रुपीस, 3 आर्स के लिए 1500 चार्जेस होंगे। हाँ, तो काफ़ी मज़ा आ रहा है और काफ़ी फिलहाल एक्चुअली हम लोग गलत टाइम पे आए, सनसेट में आते तो ज़्यादा अच्छा होता। एलपी भी बोला जाता है और मिनी वेनिस भी बोला जाता है। मिनी वेनिस इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे जब भी रोड्स नहीं थे तभी हर एक घर में एक पर्सनल बोट होता था और उनको कहीं पे भी जाना होता बोट के थ्रू उन लोग जाते थे। तो कितना अच्छा ना, मतलब अभी यहाँ पे बैठ के ऐसा चमक जो अभी जैसे जा रहे हैं, कितना मजा आ रहा है। तभी तो क्या होता होगा, सिर्फ बोट ही होता होगा तभी। नीचे से जाने वाले हैं और अभी हम लोग को ऐसे झुकना पड़ेगा सो दैट लगे ना। ये मस्त ना, हाय सुपर, कैसा सुपर है। ओके सो ये था वो, ऊपर से चाइना में मैंने देखा है कि ऐसा बोट को नीचे से बेचते और जो बोट चलाते राइड करते हैं उन लोग ऊपर से आते हैं एकदम। जो अष्टमुड़ी लेक आ चुके हो और ये अष्टमुड़ी लेक, ये मैंग्रोव जो स्ट्रक्चर है इसके लिए फेमस है। केरला का बैक वाटर्स एक्सपीरियंस करना है तो मुंड्रो आइलैंड इज द बेस्ट प्लेस टू विजिट। आप एलपी भी जा सकते हो, लेकिन ये जो जगह है बहुत सिक्लूडेड है, मतलब अगर आप यहाँ पे आओगे तो आपके अलावा कोई रहेगा नहीं, मतलब पीस होगा। एलपी में क्या थोड़ा कमर्शियलाइज्ड है, तो आप, वील सजेस्ट कि आप मुंड्रो आइलैंड आओ।
सिर्फ इतना ही स्ट्रगल है कि यहाँ तक आना थोड़ा बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग है, वो भी डिपेंड करता है आपके स्टे के ऊपर, लेकिन फिर भी ठीक है यहाँ पे आना इतना राइड करके वॉज वर्थ। मतलब मैं ऐसा बोलूँगी नहीं कि अरे यार क्यों आए, क्या फ़ायदा इतना, लेकिन बहुत अच्छा था, मतलब वर्थ था। एंड हाय एंड इट्स टाइम टू से बाय टू दिस ब्यूटीफुल प्लेस। अगर आप मुनरो आइलैंड आओगे तो ये नंबर पे जरूर कांटेक्ट करना। आए है एक जगह है ब्लू वाटर करके, मतलब ओडाम बीच के एकदम नजदीक एकदम लग के है, और हमारे स्टे हम लोग जहाँ पे स्टे कर रहे हैं वहाँ से बहुत मीटर, हाँ हार्डली 100 मीटर है, मतलब वॉक करके भी आ सकते हैं ऐसा। और दर्शन तो अभी बिजी है फुटबॉल देखने में, बच्चे लोग फुटबॉल खेल रहे हैं, इसके लिए जा तू भी जा। मेरे को पता होता खेल रहे बीच पे, लेकिन बीच पे खेलने का मज़ा ही अलग है, बट उसके लिए काफ़ी ज़्यादा स्टैमिना चाहिए, और फिलहाल तो मेरे में इतना स्टैमिना नहीं है कि मैं बीच पे खेल सकूँ। काफ़ी थक गए बाप रे, बहुत थक गए हम लोग काफ़ी, मतलब अभी जो जहाँ से हम लोग आ रहे थे ना, क्या ब्यूटीफुल और सीनिक ये राइड था यार। मतलब बेसिकली एक साइड वो बैक वाटर्स है और एक साइड में ओशन है, वहाँ से राइड करते हुए आए तो देखते हुए क्या मज़ा ही आ गया।